फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग का मतलब 10 बज गया है। सुबह से सारा काम वगैरह करते करते और पूजा वगैरह किया, बच्चों ने नहाया धोया पूजा किया, तो 10 बज गए करीब। और बच्चे अभी ना ऊपर गए हैं क्योंकि ऊपर अभी झंडा फहराने की तैयारी हो रहा है। तो आज है रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे और हैप्पी सरस्वती पूजा। तो चलिए, आज मैं दिन भर का रूटीन क्या क्या शेयर कर पाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी मैं मॉर्निंग का चाय पी रही हूँ अकेले बैठ के, और सुबह सुबह गोलू जो है स्कूल चला गया है और दोनों बच्चे जो ऊपर छत पे हैं। तो चलिए अभी मैं छत पे भी जाती हूँ, पहले अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, मैं फटाफट अपना किचन का काम जो है निपटा लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग गया था बच्चों को और मुझे भी लग गया था, तो इसी वजह से। तो अभी बोतल में तेल नहीं था तो अभी मैं तेल डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ही इस कैन में तेल बचा है तो इसको मैं अभी सारा डाल देती हूँ बोतल में, और इसको अभी एक ढक्कन में इसको पलट के रख देती हूँ ताकि सारा तेल इसमें आ जाए, और बाद में मैं बोतल में डाल दूँगी। और सब्ज़ी मैं अभी यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बीन्स रखा था घर में, तो बीन्स की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा बच्चे जो है नखरे करते हैं खाने में, इसी वजह से मैं आलू बॉईल करके और मटर की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, सबसे पहले मैं मसाला वगैरह भून लेती हूँ, उसके बाद आलू और मटर को इस तरीके से मैं भून लेती हूँ। इसमें हल्का ग्रेवी वाला बनाऊँगी, और इसके साथ अभी मैं रोटी बनाने वाली थी तो फिर मैंने कहा कि चलो आज पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आलू इसको मैं भून लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी। उसके बाद अभी मैं आटा भी लगा के रख दी थी, तो थोड़ी देर बाद अभी ये देखिए इतने सारे पूड़ियाँ भी मैंने बना लिया है। तो पूड़ी अभी मैं इतना बनाती हूँ और गरम गरम अभी बच्चों को दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। और बस आज का वैसे पूड़ी वगैरह बनाने का ज़्यादा वो नहीं था, तो फिर बोले कि आज त्यौहार है और त्यौहार के दिन में हम लोग खास करके अगर बनाते हैं पूड़ी तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि रोज़ रोज़ रोटी सब्जी। तो फिर ऐसे लगता है जैसे कि आपके घर में भी ऐसे बनता होगा कि कोई त्यौहार में पूड़ी सब्जी अगर बने तो अच्छा लगता है। और अभी मैं खीर भी बनाने वाली थी, पर खीर अभी मैं नहीं बना रही हूँ, बस ये पूड़ी सब्जी यही जो है मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा खाना बन गया है सुबह का, और अभी सब लोग अभी हम लोग खा रहे हैं देखिए। और डुग्गू यहाँ पे खेल के आया है और ये गुस्से में अभी खा नहीं रहा है, क्या हुआ। और गोलू भी आ चुका है स्कूल से, और ज़्यादा जो है सुबह से भूख लगा था, तो करीब अभी 12 बज गए, तो फटाफट अभी खा लेते हैं, चलो उठो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और छत पे जाने के लिए, क्योंकि छत पे पूजा होगा और झंडा भी फहराएगा। और यहाँ पे डुग्गू जो है रो रहा है सुबह से ही, आज गुस्से में, तुम गुस्से में ही रहो और रोते रहो। और मनीषा भी साड़ी पहनी है, तो अभी जाएंगे, अभी छत पे बुला रहे हैं तो अभी जाते हैं। और मैंने यही वाला साड़ी पहना है, सूट जो है नहीं पहने हैं क्योंकि सभी लोग साड़ी ही पहने हैं, इसी वजह से। कहाँ पर? तो अभी ना धूप जो है बहुत तेज है, और मनीषा का जो ट्यूशन में पूजा हो रहा है, सरस्वती माता का पूजा, और झंडा भी फहराएगा, तो अभी मैं जा रही हूँ इसका ट्यूशन तक छोड़ने के लिए। और अभी छत पे भी हमारे यहाँ पे झंडा फहराएगा, पंडित जी आ गए हैं, तो पहले अभी इसको छोड़ के आती हूँ फिर जो है जाऊंगी। बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और सरस्वती माता का पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे पूजा स्टार्ट हो गया है और झंडा भी फहरा गया था थोड़ी देर पहले ही, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो बस अभी सरस्वती माता का पूजा भी हो जाए। और
अरे वीडियो में मुझे लीजिए कौन कौन आरती करेंगे तो फ्रेंड्स अभी ना पूजा हो गया है कंप्लीट सरस्वती पूजा और झंडा भी फड़ा गया। तो झंडा फड़ाने का जो है मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस टाइम गई थी मनीषा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो अभी पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया फाइनली, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अभी प्रसादी वगैरह मिलेगा उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे डोबू और यहाँ पर फोटो शूट वगैरह चल रहा है। तो अभी ना काफ़ी टाइम बाद में मिल रही हूँ। तो अभी छत से आ गए थे हम लोग थोड़ी देर पहले ही और अभी सारा ये सेट वगैरह मैंने उतार दिया है, इयर रिंग्स वगैरह। और अभी मैं लेट गई थोड़ा सा, डुग्गू ना अभी तक जो है ऊपर ही है, डुग्गू नहीं आया है। मनीषा वहाँ पे टीवी देख रही है, गोलू भी आ गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि खाना नहीं बनाई सुबह ही। हम लोग जो है सुबह नहीं मतलब 12 बजे करीब जो हम लोग नाश्ता किए थे पूरी सब्जी। तो अभी मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही मैं बनाऊँगी खिचड़ी क्योंकि बच्चों को भूख लगा है, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगा है। तो जा रही हूँ थोड़ा सा जो अभी खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सो के उठने के बाद अभी मैं ये कुकर में जो है मैंने खिचड़ी बिठा दिया है और खिचड़ी बिठाने के बाद इधर डिब्बे वगैरह में कुछ सामान आया था तो अभी मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और ये जो है इसमें चावल मैंने मंगाया था अमेजोन से पहली बार, तो इसी का जो है अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो देखती हूँ अभी कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मेरा खिचड़ी बन गया है तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बच्चे लोग जो है खा लिया है और छत पर चले गए हैं। तो अभी देखिए मैं भी अपना ले ली हूँ, ये खिचड़ी है और टमाटर का चटनी मैंने बनाया फटाफट, बहुत जल्दी बन गया। और ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं था तो इसी वजह से मैं खिचड़ी नहीं डाल पाई, बस मटर आलू और ये बीन्स है। तो यही सब चीज़ें जो है मैंने डाला हुआ है और अभी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। वैसे तो भूख मुझे नहीं लगा था तो खिचड़ी देख के ना भूख लग गया तो बस मैं खा लेती हूँ। और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और अच्छे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।